हेलो गाइस, रियलमी 9 प्रो एंड रियलमी 9 प्रो प्लस स्मार्टफोन के आज इस वीडियो के अंदर मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ, बिकॉज इस स्मार्टफोन का जो अनबॉक्सिंग वीडियो ऑफिशियल यूट्यूब के अंदर लीक हो चुका है, उसी के साथ इस स्मार्टफोन के अंदर बहुत ज्यादा तगड़े स्पेसिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा। एंड ये स्मार्टफोन 16th February के अंदर ऑफिशियल इंडिया के अंदर लॉन्च होने वाले। एंड आज इस वीडियो के अंदर इन दोनों स्मार्टफोन की फुल अनबॉक्सिंग के साथ इस स्मार्टफोन के अंदर क्या कुछ स्पेसिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा, ओवरऑल ये स्मार्टफोन कैसे होने वाले, उसी के साथ इस स्मार्टफोन की इंडियन मार्केट की प्राइस एंड इंडियन लॉन्च डेट क्या कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा। सो हियर व्हाट्स Guys, my name is Ryan. Welcome back to another video with Realme 9 Pro and Pro Plus smartphone. So, hey guys, today ask us to start करते हैं, but उससे पहले ये चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना, किसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे जैसे हम वीडियो अपलोड करें। So, hey guys, चलिए ask us to start करते हैं। सबसे पहले guys, अगर मैं बात करूं Realme 9 Pro Plus smartphone के बॉक्स कंटेंट के बारे में, तो obviously guys, बॉक्स को ओपन करते ही guys, यहां पर एक येलो बॉक्स देखने के लिए मिलेगा, जिसके अंदर आपको लिखा हुआ है वेलकम टू Realme फैमिली। एंड उसके अंदर ही आपको सिम इजेक्टर टूल, कुछ डॉक्यूमेंटेशन एंड उसी के साथ गाइस यहां पर आपको टीपीयू केस भी आपको देखने के लिए मिलेगा, जो एक नॉर्मल सा टीपीयू केस रहने वाला है। एंड उसी के साथ गाइस यहां पर आपको 60 वाट की एडाप्टर देखने के लिए मिल जाएगा, जबकि यहां पर आपको यूएसबी टाइप सी पोर्ट का भी सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा। एंड वही अगर हम बात करूं Realme 9 Pro स्मार्टफोन के अंदर, तो गाइस यहां पर सब कुछ सेम ही रहने वाले है, जस्ट बिकॉज यहां पर चेंज होने वाले इसके एडाप्टर, बिकॉज यहां पर आपको 30 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको रहने वाले है। तो गाइस यही कुछ आपको बॉक्स के अंदर देखने के लिए मिलने वाले हैं। साथ ही साथ गाइस अगर मैं बात करूं उन दोनों स्मार्टफोन के बिल्ड एंड डिजाइन के बारे में, तो ऑब्वियसली गाइस दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको रेक्टेंगुलर कटआउट के अंदर आपको ट्रिपल रियर कैमरा आपको देखने के लिए मिलेगा, जहां पर आपको एलईडी फ्लैश का भी सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा। उसी के साथ गाइस यहां पर Realme का टिपिकल ब्रांडिंग लोगो देखने के लिए मिलेगा। Realme 9 Pro के अंदर आपको पॉलीकार्बोनेट के बैक पैनल देखने के लिए मिलेगा, जबकि Realme 9 Pro Plus स्मार्टफोन के अंदर आपको ग्लॉसी पॉलीकार्बोनेट देखने के लिए मिलेगा। एंड स्पेशलिस्ट यहां पर जो ब्लू कलर आपको देखने के लिए मिलेगा Realme 9 Pro Plus के अंदर, वहां पर आपको कलर शिफ्टिंग का भी प्रोसेस देखने के लिए मिलेगा। एंड यहां पर आपको V20 सीरीज जैसा कलर चेंजिंग का प्रोसेस नहीं दिया गया, यहां पर आपको कलर शिफ्टिंग प्रोसेस देखने के लिए मिलेगा। इसके अंदर लाइट पड़ते ही गाइस यहां पर आपको ब्लू से सीधा रेड के अंदर शिफ्ट होते आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इस बिल्ड एंड डिजाइन में भी सबसे काफी ज्यादा तगड़े आपको देखने के लिए मिल जाएगा, इसमें आपको कोई भी शिकायत नहीं रहने वाली। साथ ही साथ गाइस अगर मैं बात करूं दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में, तो ऑब्वियसली गाइस Realme 9 Pro के अंदर आपको एक सुपर एमोलेड स्क्रीन के साथ 120 हर्ट्ज की हायर रिफ्रेश रेट का सपोर्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जबकि Realme 9 Pro Plus स्मार्टफोन के अंदर आपको सुपर एमोलेड स्क्रीन के साथ 90 हर्ट्ज की हायर रिफ्रेश आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन कोई घबराने का बात नहीं, बिकॉज यहां पर जो चिपसेट है यानी यहां पर जो प्रोसेसिंग स्पीड है, उसके मुताबिक गाइस बताया जा रहा है यहां पर स्क्रीन टू बॉडी रेशियो काफी ज्यादा बेहतरीन देखने के लिए मिलेगा Realme 9 Pro Plus के अंदर ही आपको देखने के लिए मिलेगा। एंड उसी के साथ गाइस यहां पर ब्राइटनेस भी काफी ज्यादा तगड़े देखने के लिए मिलेगा एज कंपेयर टू द Realme 9 Pro। उसी के साथ गाइस अगर मैं बात करूं दोनों स्मार्टफोन की कुछ पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में, उसी के यहां पर एक माइक्रो एसडी कार्ड की स्लॉट देखने के लिए मिलेगा, नॉइस कैंसिलेशन माइक देखने के लिए मिलेगा, 3.5mm की हेडफोन जैक देखने के लिए मिलेगा, एंड यहां पर आपको यूएसबी टाइप सी पोर्ट देखने के लिए मिलेगा। बट दैट वाज द इनोसेंट पॉइंट, Realme 9 Pro के अंदर आपको सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर ही आपको देखने के लिए मिलेगा, जबकि Realme 9 Pro Plus के अंदर आपको डुअल स्टूडियो स्पीकर का ही साउंड आपको देखने के लिए मिलेगा, जो मेरे को पर्सनली काफी ज्यादा कमर के लगे। Realme 9 Pro के अंदर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने के लिए मिलेगा, जबकि Realme 9 Pro Plus के अंदर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने के लिए मिलेगा। एंड Realme लैब के अंदर आपको Realme इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर की मदद से आपकी हार्ट बीट को चेक कर सकते हो, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर्स एंड काफी तगड़े फीचर्स अब बोल सकते हो। As well as guys, अगर मैं बात करूं इन दोनों स्मार्टफोन की प्रोसेसर्स के बारे में, तो गाइस यहां पर काफी कुछ डिफरेंसेस, काफी कुछ चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस अगर मैं बात करूं Realme 9 Pro Plus स्मार्टफोन की, तो ऑब्वियसली गाइस यहां पर को MediaTek की तरफ से बिल्ड किया गया MediaTek Dimensity 920 का फ्लैगशिप चिपसेट आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कहने की बराबर से टक्कर देती है Snapdragon 845 855 Plus चिपसेट के साथ। एंड यहां पर जो परफॉर्मेंस आपको देखने के लिए मिलेगा वो बहुत ही ज्यादा तगड़े आपको देखने के लिए मिलेगा, जस्ट बिकॉज यहां पर 6 नैनोमीटर आर्किटेक्चर फैब्रिकेशन प्रोसेस में बना हुआ है। उसी के साथ गाइस यहां पर को Mali G68 MC4 का GPU भी आपको देखने के लिए मिलेगा, यानी यहां पर गेमिंग ग्राफिक्स भी काफी अच्छे खासे आपको देखने के लिए मिलेगा। एंड उसी के साथ गाइस यहां पर को 5G कैपेबल आपको देखने के लिए मिलेगा, तो ऑब्वियसली गाइस यहां पर 5G बैंड्स भी काफी अच्छे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। एंड उसी के साथ गाइस अगर मैं बात करूं Realme 9 Pro स्मार्टफोन के बारे में, तो ऑब्वियसली गाइस ये कहने का ही पेयर्ड करते हैं Snapdragon 695 SoC के साथ, जो एक 5G चिपसेट है। एंड उसी के साथ गाइस यहां पर भी काफी अच्छे खासे 5G बैंड्स देखने के लिए मिलेगा, एंड यहां पर भी परफॉर्मेंस आपको डिसेंट रहने वाले। उसी के साथ गाइस यहां पर Adreno 610 का GPU भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको UFX 2.2 के साथ LPDDR4X वाला RAM टाइप आपको देखने के लिए मिलेगा। उसी के साथ गाइस अगर मैं बात करूं दोनों स्मार्टफोन की कैमरास के बारे में, तो गाइस आप सभी लोग शॉक्ड हो जाओगे, बिकॉज़ यहां पर आपको Realme 9 Pro Plus के अंदर आपको 50 मेगापिक्सल की प्राइमरी लेंस देखने के लिए मिलेगा, जबकि Realme 9 Pro के अंदर आपको 64 मेगापिक्सल की प्राइमरी लेंस देखने के लिए मिलेगा। ठहरो गाइस, बिकॉज़ Realme 9 Pro Plus के अंदर आपको
काफी अच्छी क्वालिटी की फंक्शन, काफी अच्छी क्वालिटी की इमेज कैप्चर आपको देखने के लिए मिलेगा, बिकॉज यहाँ पर सोनी IMX766 का सेंसर के साथ वॉइस का भी सपोर्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। एंड उसके साथ गाइस यहाँ पर इमेज नॉइज रिडक्शन का भी अलग से सपोर्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो गाइस यहाँ पर रियलमी 9 प्रो के अंदर आपको सिर्फ नंबर ही बड़ा आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन रियलमी 9 प्रो प्लस के अंदर आपको काम ज्यादा बड़ा आपको देखने के लिए मिलेगा। सो साथ ही साथ गाइस अगर मैं बात करूँ इन दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको 8 मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड एंगल एंड 2 मेगापिक्सल की माइक्रो लेंस या फिर मोनोक्रोम लेंस आपको देखने के लिए मिल सकती है। एंड उसी के साथ गाइस इन दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको 16 मेगापिक्सल की फ्रंट सेल्फी कैमरा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। एंड साथ ही साथ गाइस इन दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको एंड्रॉइड 12 के साथ रियलमी UI 3.0 का सपोर्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। एज वेल एज गाइस अगर मैं बात करूँ दोनों स्मार्टफोन की बैटरी लाइफ के बारे में, तो ऑब्वियसली गाइस यहाँ पर अगर हम बात करूँ रियलमी 9 प्रो प्लस स्मार्टफोन के बारे में, तो ऑब्वियसली गाइस यहाँ पर आपको 4500 mAh का BDSM मैशिव बैटरी देखने के लिए मिलेगा, लेकिन उसको रिचार्ज करने के लिए रिचार्जेबल 60W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। एंड ये स्मार्टफोन इंडिया के अंदर आते ही गाइस यहाँ पर आपको 65W की सुपर डार्ट चार्जर इस्तेमाल कराया जाएगा। एंड उसी के साथ गाइस यहाँ पर रियलमी 9 प्रो की अगर मैं बात करूँ, तो ऑब्वियसली गाइस यहाँ पर आपको 5000 mAh का BDSM मैशिव बैटरी आपको देखने के लिए मिलेगा, उसको रिचार्ज करने के लिए 30W की सुपर डार्ट चार्जर का सपोर्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। एंड इंडिया के अंदर आते आते गाइस इस स्मार्टफोन के अंदर आपको 33W की आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर मैं बात करूँ दोनों स्मार्टफोन के प्राइस एंड लॉन्च डेट के बारे में, तो ऑब्वियसली गाइस ये स्मार्टफोन 16th of February के अंदर लॉन्च होने वाले ऑफिशियल इंडिया के अंदर। एंड इन दोनों स्मार्टफोन का जो प्राइस आपको रहने वाले वो कहीं ना कहीं 18,000 से 24,000 के अराउंड ही आपको देखने के लिए मिल जाएगा। एंड अगर मैं बात करूँ दोनों स्मार्टफोन की कंक्लूजन के बारे में, तो ऑब्वियसली गाइस अंडर 25,000 के अराउंड अगर मैं बात करूँ रियलमी 9 प्रो प्लस स्मार्टफोन की, वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन आपको देखने के लिए मिलेगा, बिकॉज यहाँ पर काफी ज्यादा प्रीमियम डिजाइन देखने के लिए मिलेगा। एंड इसका जो कलर शिफ्टिंग प्रोसेस है वो गाइस मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगा। एंड उसी के साथ गाइस यहाँ पर को काफी ज्यादा तगड़े 5G बैंड देखने के लिए मिलेगा, 920 का चिपसेट देखने के लिए मिल जाएगा, सोनी IMX766 का सेंसर्स के साथ OIS का सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा, ड्यूल स्टूडियो स्पीकर देखने के लिए मिलेगा, 60W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। जबकि रियलमी 9 प्रो की अगर मैं बात करूं, तो ऑब्वियसली गाइस यहां पर सिर्फ और सिर्फ 120Hz की हायर रिफ्रेश रेट का सपोर्ट ही देखने के लिए मिलेगा, इसके साथ 5000 mAh की मैसिव बैटरी एंड 64 MP की ट्रिपल रियर कैमरा आपको देखने के लिए मिलेगा। तो गाइस मैं आप सभी को रिकमेंड करना चाहता हूं, गाइस अगर ये स्मार्टफोन आप बाय करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से रियलमी 9 प्रो प्लस स्मार्टफोन दिस सेगमेंट वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन होने वाले। तो गाइस आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आएगी, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। तो ये चलिए मेरी तरफ से, तब तक के लिए सही सलामत रहे।